हेलो स्टूडेंट्स, कैट केमिस्ट्री टीम में आपका स्वागत है। कॉनिक सेक्शन में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑब्लॉन्ग मेथड का। प्रीवियस क्लास में हमने कंसेंट्रिक मेथड देखा था। कंसेंट्रिक मेथड का यूज करके कैसे हमने इलिप्स ड्रॉ किया था, ये हमने देखा था। आज हम लोग ऑब्लॉन्ग मेथड देखेंगे, इसे हम लोग रेक्टेंगल मेथड भी कहते हैं। तो ऑब्लॉन्ग मेथड में कैसे हम लोग इलिप्स को ड्रॉ करना है वो हम लोग आज देखेंगे। यहाँ पे जो हमारा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कह रहा है ड्रॉ एन इलिप्स बाय एन ऑब्लॉन्ग मेथड गिवन द मेजर एंड माइनर एक्सेस एज 80 mm एंड 50 mm रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले जो हमारा बेसिक होगा, मैं एक यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ जिसका जो लेंथ है वो 80 mm का है। सिंपली आप स्केल का यूज करके 80 mm लेंथ और 50 mm विड्थ का ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्या है, तो एक मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। मुझे मालूम है ये लेंथ हमारा क्या 80 का है और ये 50 का है। तो सिंपली ये मिड से मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और इसके मिड से मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये मैंने एक मेजर एक्सिस मैंने बना लिया, ये माइनर एक्सिस है हमारा। और यहाँ पे मैं नेमिंग डिफाइन कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं नेमिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ टेक्स्ट में जाके। यहाँ मैंने ए, देखिए ये हमारा बी हो गया, इसमें सी और डी, ए सी और इसको मैंने डी डिफाइन कर दिया। अब हमें करना क्या है, तो ये जो हमारा लेंथ है मैं सेंटर को ओ कर दे रहा हूँ यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमारा मेजर और माइनर एक्सिस। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो जो हमारा ये लाइन है, ये लाइन का जो ये लेंथ है, इसे हमें क्या करना है, फोर पार्ट में डिवाइड करना है। और इस लाइन को भी हम लोग क्या करेंगे, फोर पार्ट में डिवाइड करेंगे ईओ को। इसे भी हमें क्या करना है, फोर पार्ट में इसे हमें डिवाइड करना है। तो देखिएगा, मैं यहाँ पे दो मेथड बताया था। एक तो मैं सिंपल से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके और इस लाइन को मैं फोर पार्ट में डिवाइड करके इसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ। और एक मेथड जो है हमारा, जो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है उस लेंथ को 25/4 करके जो वैल्यू आएगा, मैं वहाँ पे ये पॉइंट पॉइंट इसको डिफाइन करके भी कर सकता हूँ। तो जो आपको सिंपल लगे वो आप कर सकते हो, 25/4 को डिफाइन करके और जो वैल्यू आएगा उसको मैं डिफाइन कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ पे पॉइंट एक फॉर्मेट डिफाइन कर दूंगा ताकि आप लोग को प्रॉपर दिखे प्रॉपर वे में। और यहाँ पे मैं पॉइंट को डिवाइड कर दे रहा हूँ फोर पार्ट में, देखिए इसको मैंने फोर पार्ट में डिवाइड कर दिया। और आप देखिएगा, आप भी सिंपल इसको 6.25/4 को मैंने कहा था, 6.25 का एक वैल्यू है, तो आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। एक मेथड तो हमारा ये है। और एक काम आप क्या कर सकते हो, आप तो आप लाइन में जा करके पार्टिकुलर एंगल पे देखिए किसी के एंगल पे इसको मैंने ये डिफाइन कर दिया। और इस लाइन को मैं फोर पार्ट में डिवाइड करूंगा। वो डिवाइड में कैसे करूँगा, तो देखिएगा मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर को इसको चेंज कर दे रहा हूँ किसी भी लेंथ पे। जैसे मान लो कि मैं वन एम एम का लेंथ या सॉरी 5 mm का लेंथ को डिफाइन करके, तो देखिएगा मैं यहाँ पे स्टार्ट सेंटर एंड सेंटर स्टार्ट एंड मैं यहाँ पे एक फिक्स 5 का लेंथ लेकर के मैं इसे डिफाइन कर दे रहा हूँ। देखिए सिंपल क्या करना है, आपको कंपास का टिप को यहाँ रखना है, पेंसिल का टिप को यहाँ, एक कट मार्क मारना है
अगेन क्या करना है, सेम फिक्स्ड को फाइव का, फाइव का आपको करके रखना है, ये आपको देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया हमारा ये, फिर मैं फाइव का पुट कर रहा हूँ, ऐसे कट कर दिया और अगेन फिर मैं इसको फाइव का पुट करके, देखिए फाइव का पुट करके वन टू थ्री फोर पार्ट में डिवाइड कर दें। अब हमें क्या करना है, तो इस पॉइंट को यहाँ पे से डिफाइन कर लेना और पैरेलल स्केल का यूज करना है और इसको पैरेलली हमें डिफाइन करने चले जाना है। देखिए कैसे डिफाइन करेंगे, तो मैं यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे जाना है पैरेलल 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 और वन टू थ्री इसको फोर पार्ट में हमने डिफाइन कर लिया। मैं ये लेंथ भी तो आप लेंथ देख लो 6.25 का, हाँ तो यहाँ देखेगा। तो ये दो मेथड है जिसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे फोर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सेम इसे भी हम फोर पार्ट में डिवाइड करना, तो इसी रूल को फॉलो करेंगे और यहाँ पे इसे डिवाइड कर देंगे। तो दोनों रूल हम लोग को मालूम चल गया कि कैसे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखिए इसको मैं सिंपली, ये हमारा 80 है तो ये मैं 40 कर रहा हूँ, तो सिंपली इसको मैं स्केल से आप कर सकते हो 10-10 का, तो ये ज़्यादा सिंपल रहेगा। तो जो आपको लगे कि हाँ ये मेरा सिंपली मतलब कम टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाएगा, उसको हम लोग फॉलो कर लेंगे। तो मैं इसे भी डिवाइड कर दे रहा हूँ फोर पार्ट में, इसको मैं फोर पार्ट में इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ फोर पार्ट में इसको डिवाइड 1 2 3। अब हमें क्या करना है, नेमिंग करना है, तो मैं यहाँ पे नेमिंग कर दे रहा हूँ सभी को। तो यहाँ पे देखिएगा मैं यहाँ पे वन मैं वन कर दे रहा हूँ, यहाँ पे हमारा वन हो गया। यहाँ पे मैं टू डिफाइन करना है हमें, थ्री टू थ्री फोर से फोर पॉइंट यहाँ डिफाइन करना और सेम चीज पे यहाँ भी कर लेंगे हम लोग। देखिए मैं सबको मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, टू पॉइंट हमारा थ्री हो गया, फोर हो गया, इसको मैं वन डैश नेमिंग दे रहा हूँ, वन डैश क्योंकि वन और वन डैश हमारा यहीं पे रहेगा, तो यहाँ पे वन डैश इस पॉइंट को वन डैश, ये हो गया हमारा टू डैश, इसको थ्री डैश कर दे रहा हूँ, थ्री डैश थ्री डैश, और ये फोर डैश हो गया हमारा। अब हमें करना क्या है, तो जैसे इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, हम लाइन में जाना है और यहाँ से इस पॉइंट को मिला देना हमें, यहाँ देखिए यहाँ पे स्केल से सिंपली आप क्या कर लेना, इसे यहाँ पे मिला देना। एक पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे है, इसे आप मिला भी सकते हो, रहने भी दे सकते हो। अब सिमिलर जो पॉइंट को मैंने यहाँ डिफाइन किया था, सेम पॉइंट को यहाँ भी मुझे डिफाइन करना है, तो उसके लिए देखिए मैं इसको फिर से डिफाइन कर दूँ फोर पार्ट में। और हमें करना क्या है, तो लाइन में अगेन लाइन में जाना है और यहाँ से इस लाइन को यहाँ पर मिला देना। देखिए बहुत ही सिंपली मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दिया और यहाँ पे आप नेमिंग कर सकते हो, वन डबल डैश टू डबल डैश थ्री डबल डैश। तो आपको नेमिंग करना हो तो आप यहाँ पे नेमिंग इसको डाल सकते हो, यहाँ पे हमारा वन डबल डैश हो जाएगा। तो या तो मैं इस पॉइंट को जीरो करके चलता हूँ, जीरो मैं इसको यहाँ पे जीरो डिफाइन कर दे रहा हूँ, इसको आप डिलीट कर दो और सॉरी वन टू ये पॉइंट थ्री सिमिलर यहाँ पे वन टू और यहाँ पे थ्री और इसको आप कर दो वन डबल डैश इसको मैंने टू डबल डैश कर दिया टू डबल डैश और इसको हमने
थ्री हम डबल डैश कर देंगे, वन डबल डैश, टू डबल डैश, थ्री डबल डैश। और हमारा जो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा उसमें हमें क्या करना है, तो लाइन में जाना है। सबसे पहले मैंने सी से जैसे ही हमारा ये सी से पॉइंट सी से हमने ये इसको डिफाइन कर दिया डी से, और हमें क्या करना है डी से हमारा जो लाइन है वो ए से जो हमारा पॉइंट है वो वन डैश से पास होते हुए वन को क्या करेगा ये टच करेगा। देखिएगा कैसे, मैं अभी इसे डिफाइन कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको कंप्लीट करूँगा। अब मैं आपको सिंपली करना क्या है देखिएगा, तो टू से जो हम लाइन को ड्रॉ करेंगे टू से पास करते हुए टू जो हमारे टू पे जो लाइन टच कर रहा है सी से टू पे उसे क्या करना है टच करेगा। और सेम प्रोसीजर को हमें फॉलो करना है, ये हमारा कंसेप्ट है। ये लाइन जो है हमारा डी से पास होते हुए वन डैश से क्रॉस करते हुए वन जो हमारा लाइन सी वन है उसे क्या करेगा टच करेगा, ये टू को टच करेगा और ये थ्री को टच करेगा। सिमिलर जो कंसेप्ट है हम इसको फिर से क्या करेंगे, यहाँ से सी से पास होते हुए और ये क्या करेगा देखिए तीनों लाइन को हमें क्या करेगा टच करेगा। तो आप जब लाइन को ड्रॉ करो तो यहां से स्केल लेंगे और इसको यहां से पास करते हुए यहां से टू पे और ये यहां से पास करते हुए थ्री पे चला जाएगा। और सेम कंसेप्ट को हमें इधर भी फॉलो करना है, यानी इसे भी फोर पार्ट में डिवाइड करना है, इसे भी फोर पार्ट में डिवाइड करना है। तो सारे रूल को हम लोग सिमिलर को फॉलो करेंगे। आप सिंपल से ड्रॉ कर लीजिएगा, मैं इसे मिरर कर लेता हूँ और करके मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास ये फीचर्स हैं कि मैं बिना टाइम को वेस्ट किए उसे मैं इस डायरेक्शन में डिफाइन कर दिया, देखिएगा। तो ये आप डिफाइन कर लीजिएगा। अब देखिए जहाँ पे जैसे ये हमारा वन जो है डी से पास होते हुए वन डैश से होते हुए वन पे टच कर रहा है, तो यहाँ पे मैं फिर से एक नेमिंग डिफाइन करूँगा। और जो नेमिंग होगा हमारा देखिएगा, यहाँ पे जो मैं नेमिंग कर रहा हूँ मैं कलर को चेंज कर रहा हूँ, और मैं जो नेमिंग कर रहा हूँ वो मैं P1 नेमिंग P1 कर दिया है। टेक्स्ट को मैं यहाँ पे आप सिमिलर ऐसे नेमिंग डिफाइन कर दीजिएगा P2, ये हो जाएगा हमारा P3, इस तरह P4, P5, P6 इस तरह सारे नेमिंग को हमें डिफाइन करके चले जाना है, P1, P2, P3। यहाँ पे हम लोग जो नेमिंग डिफाइन करेंगे उसको डिफाइन करके चले जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो P1 डबल डैश, P2 डबल डैश, P3 डबल डैश, यहाँ पे आप नेमिंग दे सकते हो। यहाँ पे P0 कर देना है, यहाँ पे P0 कर देना है, यहाँ पे मैं P0 कर दूंगा। थोड़ा सा मैं इसको चेंज करूँ, P1 ये हमारा P2 हो गया, ये हमारा P2, ये हमारा P3। सिमिलर यहाँ पे सॉरी P1 डबल डैश, और ये यहाँ पे P2 डबल डैश, सॉरी यहाँ पे इस पॉइंट पे, और यहाँ पे इसको मैंने P3 डबल डैश कर दिया। तो आप लोग को समझ में आ गया कैसे मैं ये नेमिंग वगैरह डिफाइन करना है, तो ये मैंने ये नेमिंग डिफाइन कर दिया। अब सारे पॉइंट्स को देखें, यहाँ पे आपको नेमिंग कर देना है और इस पार्ट को भी यहाँ पे हम लोग नेमिंग कन्वर्ट कर देंगे, 1-2-3-, या इसको आप अदर में भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं 1-2-3 ले लिया हूँ, तो यहाँ पे आपको 4-5-6 कर देना, 4-5-6, और यहाँ पर सॉरी 4-5-6, और यहाँ पे कर देंगे 4-5-6 और 6-, इस तरह करके इसको भी इधर हम लोग डिफाइन कर देंगे और सारे नेमिंग को यहाँ पर भी डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेगा
यहाँ भी अगर बोल्ट में यहाँ पे नेमिंग को भी डायरेक्शन में डिफाइन कर देते हैं, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो, बहुत सिंपल सा है। और अब क्या करना है, सारा पॉइंट मेरा जो है वो डिफाइन हो चुका है, तो हमें सिंपली क्या करना है, फ्रेंच कर्व का यूज करके, आप क्या करोगे, फ्रेंच कर्व का यूज करोगे, सारे पॉइंट को आपको क्या कर देना है, मिला देना है। तो मैं सारे पॉइंट को यहाँ पे मिला दे रहा हूँ, सारे पॉइंट को। जैसे सारे पॉइंट को आप मिला दोगे यहाँ पे, तो ये हमारा जो है इलिप्स वो कंप्लीट हो गया। तो ये था हमारा ऑब्लॉन्ग मेथड, और इसमें हमने देखा, इसमें मैंने दो कंसेप्ट को जाना, एक तो इस लाइन को अगर डिवाइड करना तो सिंपली हम लोग लाइन के लेंथ बाय जितने पार्ट में डिवाइड करना करके सिंपल सा स्केल से हम लोग डिफाइन कर लेंगे। एक लाइन को ड्रॉ करना है एंगल पे, इसको करके इसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, और सारे पॉइंट को लेकर के हमने मिला लिया। तो आई होप यहाँ तक जो भी मैंने कंसेप्ट यूज़ किया है ऑब्लॉन्ग मेथड का, ऑब्लॉन्ग मेथड का यूज़ करके जो इस इलिप्स को ड्रॉ करने का मैंने डिफाइन किया है, आप लोगों को क्लियर हुआ। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।